हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई, आज की इस गर्मी में ना, मतलब जो इस साल जो गर्मी पड़ रही है उसके अंदर आप सुबह उठो नहीं 10 बजे और आपका जो टेम्परेचर है वो 40+ चला जाता है। ठीक है, मतलब उठो ही आप आग में, ऐसा सिस्टम चल रहा है आजकल। तो भाई, इसमें ना आपसे मेहनत हो ना हो, एक चीज़ है जो कि पूरी मेहनत करेगी, वो चीज़ है आपके कार का एसी का कंप्रेशर। और भाई, उससे आपको एक चीज़ जो है वो कम मिलने वाली है, वो भाई आपका माइलेज। यहाँ देखो 11 का माइलेज दिखा रहा है। तो भाई, यही ये हो क्यों रहा है और इसका क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं इस चीज़ को फिक्स करने के लिए, वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलो भाई, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई देखो, सबसे जो पहली चीज़ है ना, क्यों ये माइलेज अपन को कम क्यों मिल रहा है। देखो भाई, इस गर्मी में भाई गाड़ी अंदर से ठंडी नहीं होती, चाहे आप कोई कार ले लो। तो अब इसमें ठंडी करने के लिए भाई अपन को टेम्परेचर लो पे, मेरी गाड़ी पहली बार लो टेम्परेचर पे इतनी देर तक चल रही है। ठीक है, सिटी आपने देखा वैसा ही सिटी था, कोई खास सिटी था नहीं, मतलब कि जिसमें ऐसे एकदम ही पीछा पीछा चल रहा हो या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो। मुश्किल से 100 मीटर का सिटी था वो पूरा, जो कि मैंने पार कर दिया। अभी हाईवे आ गया, स्टिल आप एवरेज देख लो, 11 का दिखा रहा है। तो भाई, ऐसा हो क्यों रहा है, इसका सिंपल सा रीजन है भाई, कंप्रेसर को फुल पोटेंशियल पे अभी अपन चला रहे हैं। ठीक है, और वो चलाने की नीड है भाई, 41 डिग्री टेम्परेचर, 10 बजे है अभी, तो 12 बजे तो पूछो मत भाई क्या ही टेम्परेचर जाएगा। अब इस सब में भाई एक अपना माइलेज तो देखो कॉम्प्रोमाइज होता है। अब मैंने अभी फुल टैंक करवाया, ठीक है, मेरी रेंज देखो भाई 400 किलोमीटर की रेंज है, मात्र 400 किलोमीटर की रेंज आई है, ये 11 का एवरेज दिखा रही है। ठीक है, अब भाई इस चीज़ को पहले तो मैं बता देता हूँ, जो अपनी बात हुई थी कंप्लीट वो कर देता हूँ। अब भाई लो टेम्परेचर पर अपन चलाते हैं। लो टेम्परेचर पर क्या होता है, गाड़ी अपना मैक्सिमम कूलेस्ट जो टेम्परेचर अचीव वो कर सकती है ना, वो करने की वो ट्राई करती है। ठीक है, अब इस गर्मी में भाई जहाँ पे इतनी गर्मी है ना, वो अचीव नहीं हो पाता। अब लो पे चल रहा है, दैट मीन्स कंप्रेसर कंटिन्यूअसली भाई काम करे जा रहा है अपने फुल एकदम फुल पोटेंशियल पे। तो भाई, जब कंप्रेसर काम करेगा ना, तो इंजन पे डेफिनेटली लोड पड़ता है, आपकी गाड़ी एवरेज नहीं निकालेगी। अब भाई, इसके अपन बच कैसे सकते हैं, तो भाई इससे इसका बचने का तो एक ही उपाय है, जितना ज़्यादा हो सके अपनी गाड़ी को 19 के टेम्परेचर पर चला लो। 20 में इतनी ठंडी नहीं करेगी, 18 थोड़ा सा सही नहीं लगता, वो ऑलमोस्ट लो के बराबर सही हो जाता है, और 19 मेरे को लगा ठीक है, बेटर है। ठीक है, 19 पे कूलिंग भी ठीक ठाक हो जाती है, एंड 19 का टेम्परेचर ठीक है, मतलब माइलेज वाइलेज भी मैंने देखा ठीक ठाक निकाल देती है। ठीक है, तो भाई अभी यही सीन, अब बोलोगे भाई 19 पे कर दिया, इतनी धूप है कि 42 डिग्री, 10 बजते हर, मतलब कुछ 10-15 मिनट में टेम्परेचर बढ़ रहा है गाड़ी का। ठीक है, तो भाई इसमें तो हम तो मर जाएंगे भाई गर्मी, फिर पॉइंट कहते हैं या तो तेल बचा ले या गर्मी मर ले। तो भाई इसका उपाय है, सबसे पहला उपाय है ये शेड्स। भाई मैं हाईवे पे चल रहा हूँ, मुझे पता आगे कहीं पे भी पुलिस मिल सकती है, फिर भी मैंने शेड्स लगा रखे हैं, क्यों भाई ऐसे तो टेम्परेचर अचीव होगा नहीं, धूप आएगी वो फिर पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, या तो आप ये शेड्स लगा लो या फिर वो ग्रीन टिंट होते हैं वो लगा लो। अब भाई अपने साथ ना जो कार वाले बंदे होते हैं, कार गाइज होते हैं, उनको सबसे बड़ी दिक्कत ही यही आती है कि भाई गवर्नमेंट ने सब कुछ बैन कर रखा है, इन जालियों तक को बैन कर रखा है भाई, इन जालियों को हम ग्रीन टिंट नहीं लगा सकते, जो कि भाई कंपनीज भी तो भाई ग्रीन फिल्म देती है ना गाड़ियों में, तो क्या दिक्कत है, टिंट भी करवा लो, उनमें भी अंदर उतना ही दिखेगा और जो विंडो आते हैं प्रॉपर उनमें भी उतना ही दिखेगा। फिर भी पता नहीं भाई क्या ही है, गवर्नमेंट को इतना अलाउ कर देना चाहिए भाई। आप बताओ, 43 डिग्री हो चुका ऑलरेडी टेम्परेचर, 10 बजे हैं, ठीक है, और इस टेम्परेचर में भाई अपनी ये हालत है कि गाड़ी का एसी वेसी सब फेल है। तो भाई अभी तो मैं आपको दिखाऊंगा दोपहर के अंदर, आप बोलोगे तो कि भाई 45-46 तक टेम्परेचर गया, 48 मायने रखता है। ठीक है, आदमी से सहन नहीं होता, आदमी जल जाता पूरा 48 में। तो भाई यही सबसे बड़ी दिक्कत अभी इस गर्मी में मेरे को लग रही है फिलहाल। तो अभी देखो भाई, मैंने तो अपना उपाय यही कर रखा है, ये एक शेड चलाता हूँ, फिर 19 के टेम्परेचर पे चलाता हूँ, अच्छी खासी अंदर से कूलिंग हो जाती है इतनी, तो इसकी एसी इतना अच्छा है। एंड भाई इस गर्मी में अगर आप कोई नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो अपने क्राइटेरिया में एक चीज़ ज़रूर ऐड कर देना, वो चीज़ है अच्छी एसी वाली कार। भाई देखो, आप कोई भी कार ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मैग्नाइट हुई, निशान के काइगर हुई, उनका एसी इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, डिसेंट है, मैंने मैग्नाइट का देखा भाई, काइगर का नहीं देखा, मैग्नाइट का डिसेंट है बट, लेकिन इस गर्मी में वो भी हाल बेहाल हो जाएगा उसका भी। 1000 cc का उसमें इंजन है, उसमें एसी की दिक्कत सब पहले ही बताते हैं, और एसी मुझे तो डिसेंट लगा, लेकिन इतना कुछ अप टू द मार्क नहीं लगा, तो उन सब गाड़ियों में तो दिक्कत होनी ही होनी है। तो भाई वही दिक्कत है, अब शेड्स लगवा लिए, फिल्म लगवा ली, तो अब भाई बोलोगे हम तो चलान से कैसे बचेंगे, तो देखो भाई इसीलिए मैं बोलता हूँ सिर्फ शेड लगवा लो, ग्रीन टिंट में कुछ नहीं होगा, ग्रीन टिंट में आप कुछ कर नहीं पाओगे, शेड्स लगवा लोगे, कोई ऐसी जगह हो मान लो बाई चांस। अब देखो, ज़्यादातर लोग जो सिटी में कम्यूट करते हैं अपने ऑफिस आना जाना, उनको पता होता है कहाँ पुलिस है कहाँ नहीं है,
ठीक है, या जो बाहर के बंदे हैं वो शहर में घुसने के बाद एक बार उतार दो, और उतनी देर जब हाईवे पे चल रहे हो कहीं चल रहे हो उतनी देर में लगाए रखो, ठीक है, ऐसे आप लोग कर सकते हो, और जहाँ पुलिस हो वहाँ इनको उतार दो। अब भाई यही ऑप्शन हो सकता है इनका, तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर पुलिस जैसे चंडीगढ़ वगैरह की छोड़ के यही है कि अगर आपके सामने के विंडो पे ही शेड लगे हो ना तभी रोकते हैं, पीछे लगे हो नहीं रोकते। अब जैसे मैं भाई बात करूँ, मैं जयपुर गया था, जयपुर में खूब चलान कटते हैं, ठीक है, लेकिन जब मैं ये सामने वाले शेड्स उतार देता हूँ ना, मेरे पीछे वाले सारे लगे रहते हैं, ये वाला, पीछे वाला, या फिर एकदम जो पीछे वाले विंडो ग्लास का वो वाला, ये सारे शेड्स लगे रहते हैं, ठीक है, अंदर ही। तो मुझे तो कभी किसी पुलिस वाले ने नहीं रोका इतनी बार मैं जयपुर जाता आता हूँ। एंड भाई देखो, इतनी देर जैसे ही मैंने 19 के टेम्परेचर पे करा, अब माइलेज देखो। एंड भाई आपने जो पहले माइलेज देखा ना 11 का, वो ऐसे नहीं है कि मैंने कोई लोकल रोड पे चलाई हो या फिर एकदम सिटी सिटी में चलाई हो, सारा एसआई रोड था उस पर इतना हाईवे दिखा रहा था। लो के टेम्परेचर पे भाई माइलेज कम देती है, हर गाड़ी देती है, क्योंकि उसमें कंप्रेसर फुल पोटेंशियल पे काम करता है, स्पेशली पेट्रोल की कार, भाई डीजल की जो भारी भरकम कार होती है ना उनमें तो क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन ये जो नॉर्मल अपने कम्यूट की कार है जिनका इंजन इतना बड़ा नहीं है ना भाई, वो ऐसे ही माइलेज निकालेंगी। एंड भाई लेकिन फ्रोंक्सी मुझे एक बात अच्छी लगी, एसी में दबती नहीं है, चाहे वो माइलेज वाइलेज कम दे सकती है बट दबती नहीं है। तो चलो भाई, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।